नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पीडीएफ फाइल को फोटोशॉप की मदद से किसी भी फॉर्मेट में कैसे सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कोई भी अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों आप अपने फ़ोटोशॉप में ही इसे बड़े ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों मैंने अपने डेस्कटॉप पर दो पीडीएफ फाइल ले रखे हैं। पहला है आधार कार्ड का पीडीएफ फाइल, तो चलिए दोस्तों मैं इसे फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो पीडीएफ फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और इसे खोलने के लिए आपको यहाँ पर पासवर्ड इंटर करने होंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड इंटर करना है जो आप आधार कार्ड बनाते वक्त सबमिट करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर अपने पिन कोड को इंटर करता हूँ और फिर ओके पे क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम ओके पे क्लिक करके इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं हमारा जो पीडीएफ फाइल था वो पूरी तरह से खुल चुका है। तो दोस्तों इसे सेव करने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इसे जेपीजी में सेव कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड का जो पीडीएफ फाइल था वो जेपीजी में कन्वर्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक पीडीएफ फाइल के अंदर में कई सारी इमेजेस हो तो उसे कैसे सेव कर सकते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा दूसरा पीडीएफ फाइल, इसे हम फोटोशॉप में ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पीडीएफ फाइल के अंदर में 6 इमेजेस हैं। दोस्तों आपको जिसे भी सेव करना है आप कंट्रोल दबाकर उसे सेलेक्ट कर लें और फिर ओके पे क्लिक करें। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सभी इमेजेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल दबाकर और फिर ओके पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो 6 इमेज थे वो यहाँ पर खुल चुके हैं। अब दोस्तों आपको जिस इमेज को भी सेव करना है उस पर आप क्लिक करके फाइल मेन्यू में जाएँ और सेव एज पे क्लिक करके आप इसे जेपीजी में सेव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज के बाद आपको पीडीएफ फाइल कन्वर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे नए वीडियो की जानकारी पा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।